आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ए ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 3584 किलोमीटर्स इन 2 डेज एंड 8 आवर्स इफ़ इट कवर्स 1440। ठीक है, ये कवर्स है 1440 किलोमीटर ऑन द फर्स्ट डे एंड 1608 ऑन द सेकंड डे। बाय हाउ मच डज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द जर्नी डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है, तो एक ट्रेन क्या है, इतने डिस्टेंस को कवर कर रही है 2 घंटे 8 दिन में। अगर पहले दिन इतना कर रही है 1440 और दूसरे दिन 1608, तो जो रिमेनिंग जर्नी बची है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, माइनस ओवरऑल जर्नी की स्पीड है, हमें वो बताना है, उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, तीन पार्ट में हम जर्नी को पूरा ब्रेक कर लेते हैं। पहले तो टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये बोला 3584 किलोमीटर्स। फर्स्ट डे इसने कितना किया 1440, सेकंड डे 1608, थर्ड डे कितना किया 3584 ये दोनों माइनस ये वाला, तो 3584 माइनस 3048 536 किलोमीटर्स इसने लास्ट डे किया। पहले दिन टाइम लगाया 1 डे, ये सेकंड डे, और लास्ट के 8 घंटे 8 आवर्स में इतना। ठीक है, अब हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड, पहले टोटल डिस्टेंस की निकालेंगे फिर रिमेनिंग जर्नी की निकालेंगे। ठीक है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप लोग जानते हैं। तो पहले ओवरऑल जर्नी की बात करें, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमें टाइम पीरियड गया दिया गया 2 दिन 8 दिन का, ठीक है, 2 दिन और 8 आवर्स का, उसको हम निकालेंगे। तो 3584 टोटल डिस्टेंस है, टाइम पीरियड को हम टोटल आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 दिन की बात की इसने, तो 2 दिन, पहले दिन 24 घंटे हुए पहले दिन में, अगले दिन में भी 24 घंटे हुए, हम पूरा आवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं डेज़ को। ठीक है, 2 डेज और 8 आवर्स की बात कर रहा है, तो 2 दिन कितना हुआ 24 आवर प्लस 24 आवर और लास्ट के 8 घंटे। 3584 प्लस 48 प्लस 8 कितना हुआ 56। अब 8 की टेबल से हम इसको कट करते हैं, 8 4 जा 8 4 जा 8 8 जा 8 7 जा, अब फिर 7 से इसको किया, 7 6 से 42, तो 64 किलोमीटर पर आवर, 64 किलोमीटर पर आवर की इसकी एवरेज स्पीड रही यहाँ से 3584 किलोमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब रिमेनिंग जर्नी जो थी, रिमेनिंग जर्नी कौन सी बोल रहा था, ये 536 किलोमीटर की रिमेनिंग जर्नी की स्पीड कितनी हुई, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारी जर्नी बची थी 536 किलोमीटर, लास्ट की बची है, कितने टाइम में की इसने 8 घंटे में। अब हम इसको 8 6 जे 48, 56 किलोमीटर पर आवर, तो 67 किलोमीटर पर आवर आया हमारा रिमेनिंग जर्नी का स्पीड। ठीक है, अब हमें इन दोनों का अंतर बताना है। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में कि रिमेनिंग जर्नी स्पीड माइनस ओवरऑल जर्नी स्पीड। तो रिमेनिंग जर्नी स्पीड क्या है, 67 किलोमीटर माइनस 64 किलोमीटर पर आवर, कितना बचा 3 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड आई, जो इनका डिफरेंस है रिमेनिंग जर्नी और एवरेज स्पीड जो टोटल जर्नी की थी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। तो आशा करता हूँ समझ में आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।